वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशंस आज कंडक्ट हुआ है, यानी 1 अक्टूबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो एग्जामिनेशंस में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और कैंडिडेट ने एग्जामिनेशंस के बाद जो मुझे क्वेश्चन शेयर किए थे, उस क्वेश्चंस को वेरीफाइड करने के बाद ही आप सभी को यह एग्ज़ाम एनालिसिस दे रहा हूं। तो आपको स्क्रीन पर जितने भी प्रश्न दिखाई देंगे वो 100% रियल और ऑथेंटिक्स होगा। मैं टोटल आपको 100 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, बस आप वीडियो को एंड तक देखिए। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी जेन्युइन प्रश्न को लिखा हूँ, देख सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देकर आए हैं तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में यस का मैसेज कर दीजिएगा कि यस सर यही क्वेश्चंस आया था, ताकि अन्य कैंडिडेट को बिलीव हो सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको भरोसा ही नहीं होता है, वो तो एग्ज़ाम नहीं देते हैं और उनको भरोसा नहीं होता है, बट ये सभी जेन्युइन क्वेश्चंस हैं और काफ़ी कैंडिडेट से बात करने के बाद ही ये सभी क्वेश्चंस मिला है एग्जामिनेशंस के बाद। तो चलिए देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रश्न जो था पूछा गया था, एक मिनट, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन है, तो उदयन हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेकेंड प्रश्न पूछा गया था सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये हो जाएगा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। थर्ड प्रश्न पूछा गया था मैराथन दौड़ के आधिकारिक दूरी क्या है, तो 26 मील 385 गज। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है, तो सैंडे विच द्वीप हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ड्यूटी भी जाना है, ठीक है। भारत का संविधान है तो राज्यों का संघ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था घरों में बिजली का उपकरण जुड़े होते हैं, तो ये समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। ये सभी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस हैं। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है, तो जल द्वारा जमना होता है। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया था, लीवन हॉक ने किया था। पसीने की ग्रंथि शरीर में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, हथेली में होती है। अभिनव भारत दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था, भीमराव अंबेडकर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न था रावत भाट्टा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। अगला प्रश्न पूछा गया था गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की, भारत लोक सेवा समाज की स्थापना की। गलत का पता लगाना था, पाँव नख हस्त नेत्र, तो ये नेत्र यहाँ पर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है, तो ये देखिए भक्ति परत गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है नामदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था अलवर महिला संत का नाम है, तो ये अंडाला है। अलवर महिला संत का क्या नाम है, अंडाला है। नियति का समानार्थक शब्द पूछा गया था, भाग्य हो जाएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, तो ये मुंबई में किया गया था बनर्जी के अध्यक्षता में, इस तरह ऑप्शन था बनर्जी के अध्यक्षता में मुंबई में हुआ था कांग्रेस का पहला अधिवेशन। मशाल रिले की शुरुआत किस ओलंपिक्स खेल में हुआ था, तो ये 1936 बर्लिन ओलंपिक्स खेल में शुरुआत हुआ था मशाल रिले का। LIC ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है, आनंद हो जाएगा। देवानंद के नाम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है, ये फिल इन द ब्लैंक्स करना था, अनुकरणीय है, लगन और निष्ठा अनुकरणीय है। निम्न में से कौन सा उपधातु है, ऑप्शंस में था आर्सेनिक, ये करेक्ट था। इसके अलावा बोरान सिलिकॉन जर्मेनियम, ये सभी क्या है, उपधातु हैं। ये भी बार बार पूछा जाता है ऑप्शंस में सिलिकॉन, तो हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जाए। अगला प्रश्न जो था पूछा गया था कौन सा पुरस्कार खेल से संबंधित है, उत्कृष्ट खेल से संबंधित है, तो ये अर्जुन पुरस्कार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था, तो जय हिंद का नारा था, ऑप्शंस करेक्ट था। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट बढ़ाया गया है, 66% करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मोबाइल फ़ोन चार्ज है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफ़र करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरिट्रिया किस महादेश में स्थित है, अफ्रीका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों मिला है, तो CV रमन को मिला है नोबेल पुरस्कार 1930 में और भारत रत्न 1954 में मिला है।
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा होता है। किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहता है? एशिया महाद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली विद्वान कौन थे? वसुबंधु थे। नेक्स्ट प्रश्न था, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है, ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। नाबार्ड का कार्य नहीं है, तो देखिए आयात निर्यात बैंक का कार्य नहीं है, ये कृषि से रिलेटेड है नाबार्ड। घरों में बिजली का उपकरण जुड़े होते हैं, समानांतर क्रम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दो बार रिपीट हो गया। भारत में किसी भी मामलों को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार डैस को है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है। सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को और पूर्ण रूप से लागू किया गया था डैस कितना को? तो 12 अक्टूबर 2005 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? तो ये लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य होता है। भारत के संविधान के किस भाग में मूल्य कर्तव्यों को सन्निहित किया गया था? तो ये भाग चार के क में, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 के क में। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग होता है, तो भारी जल, ग्रेफाइट और पैराफिन। नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के रूप में ग्रेफाइट को, भारी जल को और पैराफिन का रूप में उपयोग किया जाता है। ऑल करेक्ट था आंसर ऑप्शन में। जो सब कुछ जानता उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। वाक्यों को क्रम में सजाना था, बहुत ईजी था। देखिए कौवा से रिलेटेड था, देखिए ये था दो नंबर। एक कौवा को प्यास लगी, आपने बचपन में ये कहानी पढ़ी है, एक कौवा को प्यास लगी, फिर उसके बाद बगीचे में उसने घड़ा देखा, यहाँ घड़ा होगा, घड़ा देखा, फिर उसके बाद घड़े में पानी बहुत नीचे था, उसके बाद कौवे ने घड़े में कंकड़ डालना स्टार्ट किया। तो ये 2, 4, 3, 1 ये ऑप्शंस में था, करेक्ट था। ये एक था एरर वाला क्वेश्चन हिंदी में, उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। तो देखिए दोनों दुख और क्षोभ, ये जो ऑप्शन था ऑप्शन सी, ये इसमें त्रुटि था। अब देखिए 43 नंबर जो क्वेश्चन था ये रीजनिंग में फिगर वाला क्वेश्चन था, बताना था ट्रायंगल्स कितना है, तो इसमें टोटल ट्रायंगल्स 19 है, आप काउंट कर सकते हैं। पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन जो है इसका संसद है पार्लियामेंट, तो कांग्रेस किसका है? यूएसए ऑप्शन में था, करेक्ट हो जाएगा। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक्स खेल कब शुरू किया गया था? 776 ईसा पूर्व, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो नमक का घोल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1992, करेक्ट हो जाएगा। बजट 2023 और 24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए योजना शुरू की गई, योजनाओं का नाम क्या है? तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो रेडियो GPT, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मैथ का क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए मैथ के जितने और रीजनिंग के क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन का और साथ में साइंस के भी क्वेश्चन है, तो उन सभी क्वेश्चनों का मैं इसके बाद वाले वीडियो में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं टोटल क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस और जो बच रहे हैं उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, आप चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं सभी शिफ्टों का एनालिसिस देने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।